और ब्लॉक अध्यक्ष श्री रिजवान जी और श्री राम प्रभाव सिंह जी यहाँ पर मंचासीन उपस्थित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस ज्ञानोत्सव महोत्सव में उपस्थित हमारे शिक्षक भाई और प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबक ले चुके हमारे शिक्षक भाई ने, सभी का हम स्वागत। इस कार्यक्रम के तहत हमें जो है शारदा और समृद्ध, शारदा और समर्थ कार्यक्रम क्या है इसके विषय में आप सभी लोग जानते भी होंगे और इसे थोड़ा सा बताने का हम प्रयास करेंगे। शारदा कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जिसके तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चे का हम चिन्हीकरण करते हैं। चिन्हीकरण करने के बाद उसकी सूची बना करके हम अपने स्कूल में उसको पंजीकरण करते हैं और पंजीकरण की लिस्ट जो है BRC पर जमा करते हैं, जिससे उसका जो है शारदा पोर्टल पर अंकन किया जाता है। शारदा SHARA लिए शारदा का फुल फॉर्म होता है स्कूल हरदिन आए। तो ये निश्चित रूप से जानिए कि आप जब हाउस होल्ड सर्वे करने जा रहे हैं तो वह बच्चे जो कभी भी नामांकित नहीं हुए वो आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे होंगे। हाउस होल्ड सर्वे करते समय आप इन बच्चों का चिन्हीकरण करेंगे। उसके अलावा इसकी सहायता के आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या SNC बैठक में उपस्थित हुए SNC सदस्यों से आप सहयोग दे सकते। यहीं पर दूसरी बात आती है, यदि बच्चा आपके स्कूल में नामांकित हो जाए उसके बाद वो लगातार नहीं आ रहा है, आपके लगातार अनुपस्थित हो रहा है, भौतिक रूप से अनुपस्थित हो रहा है लेकिन हाजिरी कर, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो आपके लिए बहुत सरदर्द बन जाएगा बच्चा। आप एक्स्ट्रा हाजिरी लगाइए जिससे कि वो लगातार 45 दिन अनुपस्थित होता है तो वो भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल में आएगा। और उस बच्चे को आपको खोजना है कि वो बच्चा आखिर में 45 दिन नहीं आया तो कहाँ गया, क्या वो पढ़ाई छोड़ दिया या कहीं चला गया या कि हमारे स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल में एडमिशन कर। तो इस शारदा कार्यक्रम, इस शारदा कार्यक्रम को आपको समझना है और हाउस होल्ड सर्वे के दौरान ये निश्चित रूप से ध्यान दीजिए कि आपको जो है इन बच्चों का पहले चिन्हीकरण करिए और चिन्हीकरण करने के बाद अपने स्कूल में उसको नामांकित करिए। नामांकन करने के बाद उसकी लिस्ट बनाकर BRC से दीजिए, जिससे शारदा पोर्टल पर उसका जो है नामांकन हम सभी लोग के द्वारा दर्ज किया जाए। दूसरा कार्यक्रम है समर्थ कार्यक्रम। CA जो है आप जानते हैं कि RTE एक्ट 2009 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये समर्थ कार्यक्रम के विषय में सर लोग जो है नियम का अनुसरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोगों के द्वारा जो है हमको नहीं लग रहा था कि घोषी ब्लॉक में इतना TLM बना हुआ है, बहुत ज्यादा संख्या में TLM है।